आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। आप जो चाहो उसको हकीकत में पा सकते हो। जो आपकी सोच है वो सच में बदल सकती है। आपकी हर परेशानी खुशी में बदल सकती है। इंसान का माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा चेतन मन तो वो है जो हमारी थिंकिंग को, यानी कि जब हम किसी बात पे लॉजिक लगा रहे होते हैं, जब किसी बात का एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब किसी बात पे कोई गहरा चिंतन कर रहे होते हैं या कोई फैसला लेने वाले होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है हमारा चेतन मन। लेकिन हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारा विश्वास, हमारी सोच, हमारी पुरानी यादें और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और देखा जाए तो यही सारी चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। और देखा जाए जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, उन्हीं के ऊपर हमारे बिलीफ बने होते हैं। अगर किसी की हैबिट है, किसी की आदत है रोज सुबह उठ के जॉगिंग करने की, तो हमारा बिलीफ होता है कि जॉगिंग करना आसान है। लेकिन अगर किसी की आदत है देर से उठने की, तो उसका बिलीफ है जॉगिंग करना मुश्किल है। मतलब कि जब कोई बिलीफ बन जाता है तो सोच भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, हमारे इमोशंस भी उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारी भावनाएं उसी के हिसाब से चलती है। और हमेशा इन बिलीव्स, इन इमोशंस, इन आदतों को फॉलो करते रहने से जो हमारी पुरानी यादें हैं वो भी ऐसे ही एक्शन से भरी होती हैं। और क्या आपको ये पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन हमारे माइंड का 10% यूज करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन मन माइंड का 90% यूज करता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी पावर का पता ही नहीं है, इस 90% को यूज ही नहीं करते, इसीलिए वो एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो लोग सब कॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं, वो एक्सीलेंट कहलाए जाते हैं, वो ब्रिलियंट कहलाए जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक स्पीच देने के लिए एक स्टेज पे चढ़े, आपको वो स्पीच पूरी तरह से याद है, लेकिन फिर भी स्टेज पे जाने के तुरंत ही बाद आपके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो, मैं अटक गया तो। और बहुत बार ऐसा होता है कि भले ही आपको पूरी स्पीच अच्छे से याद है, लेकिन आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाते हो, आप घबराना शुरू हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही आपके माइंड ने अंडर कॉन्फिडेंट होने वाली घबराहट वाली बात सोची, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन कुछ पुरानी यादों को सोचेगा। आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन 90% माइंड उस तरफ चल गया, वो सोचना शुरू हो गया उन पुराने इंसिडेंट्स को जहां पे आप गड़बड़ कर गए थे, जिसकी वजह से आप नर्वस आज फिर हो गए। सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी यादें चल रही हैं, फियर चल रहे हैं, आपके पैर कांपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड को और श्योर हो जाता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, और फिर आप और घबराते हो और नर्वस हो जाते हो, और जो याद हुई हुई स्पीच वो भूलनी शुरू हो जाती है। सफल लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें अपने माइंड को देते हैं, जिसकी वजह से हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में उनका माइंड हल ढूंढ लेता है, सोल्यूशन ढूंढ लेता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में सुबह सुबह सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ना, उस टाइम हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी का भी सबसे ज्यादा होने का एक टाइम है। जैसे कि इसका नाम ही सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि अवचेतन। मतलब कि जब हमारा कॉन्शियस चेतन पूरी तरह से एक्टिव ना हो, ऐसे टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और ये टाइम होता है रात को सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट। कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नींद की तरफ जाना शुरू हो जाता है, हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की, परसीव करने की पावर कम होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है। उस टाइम कंट्रोल किसके पास आता है? सबकॉन्शियस माइंड के पास, अवचेतन मन के पास, जो सोता नहीं है तभी तो सपने आते हैं। तो जब कंट्रोल अवचेतन मन की तरफ जा रहा होता है सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट, उस टाइम आपके माइंड को जो बता दिया जाए उस तरफ आपके माइंड की अद्भुत पावर लग जाती है। ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि जब वो बेड पे लेटे होते हैं सोने के लिए, तो सोने से पहले दिन भर की बुरी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। उसको मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, यार ये बिजनेस की डील क्यों चलेगी। और इसका नतीजा ये होता है कि ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन में रजिस्टर हो जाती हैं। फिर हम सो जाते हैं, अवचेतन मन अपने काम पे लगा रहता है। सुबह उठते ही हमारा चेतन मन तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको वही इन्फॉर्मेशन सेंड करता है जो आपने सोने से पहले उसको दी थी, और उसी का इफेक्ट अगले दिन पे भी आता है। ये चीज़ चलती रहती है, दिन खराब होते रहते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि ज़िंदगी सुधर क्यों नहीं रही, वही प्रॉब्लम्स घूम फिर के वापस क्यों आती रहती हैं, ये नेगेटिविटी का, ये निराशा का साइकिल टूटता क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब तक तो ये समझ गए होगे ना कि करना क्या है। करना ये है कि सोने से पहले जो आपके पास आखिरी 5 मिनट हैं, उस 5 मिनट पे अपने माइंड को पॉजिटिव बातें बोलनी है, पॉजिटिव बातों को देखना है।
सोने से पहले कोई नेगेटिव बात नहीं, अपनी जिंदगी के हिसाब से खुद को पॉजिटिव बातें बोलो। मेरे अंदर ताकत है कि मैं सक्सेस को पा सकता हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, मेरे अंदर सफलता को पाने की ताकत है, कामयाबी मुझे मिलती रहेगी, मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, मैं सिर्फ कामयाब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। फिट रहने का, वेट लूज करने का सफर बहुत ही मजेदार है, मुझे पढ़ाई करने का मजा आ रहा है, मुझे जीने का मजा आ रहा है, मैं अपनी जिंदगी में और कामयाबी को पाने के लिए बढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी बातें बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको रजिस्टर करता है। अब जैसे ही सुबह नींद खुलेगी और आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन एक्टिव होगा, उसी टाइम आपका अवचेतन मन आपकी लास्ट की दी हुई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को चेतन मन को सेंड करेगा, जिसका नतीजा ये रहेगा कि आप पूरे दिन चार्ज्ड अप रहोगे, अपने हर एक काम को बेहतर ढंग से कर पाओगे, और साथ ही साथ जो बातें आपने खुद के लिए रात को खुद को बोली थी, उन बातों को सच करने के लिए आपकी माइंड की पावर लगी रहती है, उस तरफ काम चलता रहता है। जिंदगी से हर रोज बस आखिरी 5 मिनट मांग ले, इतना वक्त तो तुझे दे ही देगी, कर अपनी अवचेतन से बातें, फिर हर ख्वाहिश तेरे दर पे दस्तक देगी ही देगी।